بسم الله الرحمن الرحيم नौजवानों की खास तवज्जो चाहिए आज। अजान गिरामी, बहुत से लोग कहते हैं ये आजादारी पे इतना पैसा लगा रहे हो, ये जोड़ लो, इतनी यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, इतने स्कूल बन जाएंगे, इतने कॉलेज बन जाएंगे, कभी किसी के धोखे में ना आइएगा। ये आज जो कुछ शिया कौम के पास है इस आजादारी का सदका है। बात पहुंच गई है? सब शायद साथ नहीं, मैं सिर्फ एक इसी कराची का, मुझे किसी ने वाकया सुनाया था, मेरे मौजू से मुतालिक है, कि दो अफराद बस स्टॉप पे आपके कराची में खड़े थे, एक साहब सिगरेट पीने वाले, दूसरे सिगरेट नहीं पीते थे। तो सिगरेट पीने वाले साहब, आपको पता बस लेट हो जाए तो सिगरेट की रफ्तार बढ़ जाती है, तो उन्होंने एक दो तीन, तो साथ वाले ने कहा कितनी सिगरेट पी लेते हैं दिन में? कहने लगे एक से दो डब्बी। कह लेंगे 20 से 40 सिगरेट, एक डब्बी कितने में आती है? पुराना वाक्य तो उनका इतने में, कितने में, यानी पीने वाले बैठे हैं तो बहरहाल एक डब्बी इतने में आ जाती। कहा अच्छा कब से सिगरेट पी रहे हैं? कब 20 साल से ज्यादा हो गया। उन्होंने फौरन कैलकुलेटर निकाला, हिसाब करना शुरू किया, कहा हर रोज इतनी, साल में 365 दिन, 20 साल से ज्यादा हो गया। तो कहने लगे देख रहे हो सामने की जो फ्लैटों की इमारत है? कहा, अगर तुमने सारे पैसे जोड़े होते तो ये बिल्डिंग तुम्हारी होती। कुछ देर के लिए बेचारा वैसे सिगरेट दिल बैठ गया, सोचता रहा कि मैंने इतनी सिगरेट पी ली कि ये पूरी बिल्डिंग मेरी होती। फिर पलट के कहने लगा तुम सिगरेट पीते हो? जाओ। कहा नहीं मैंने कभी सिगरेट नहीं पिया। कहा तुम्हारी ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं? कहा एक भी नहीं। कहा मुझे पागल बना रहे हो? ये जो लोग कहते हैं ना पैसे जोड़ लो, तबर्रुक पे ना लगाओ, मजलिसों पे खर्च ना करो, सकाई ना करो, सबीले ना लगाओ, इतने स्कूल खुल जाएंगे, इतनी यूनिवर्सिटियां, उन सब से कहो हम नहीं करते। तुम बताओ, तुम तो मजलिसों में नहीं आते। बताओ तुमने कितना कर लिया?